राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक बाल स्कूल सुंदरनगर में 4 दिवसीय लर्निंग आउटकम प्रोग्राम के तहत प्रशिक्षण शिविर का आगाज हुआ। प्रिंसिपल एवं बीपीओ सुंदर सिंह ठाकुर ने शिविर में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और विधिवत रूप से शिविर का शुभारंभ किया। उन्होंने बताया कि 4 दिन तक चलने वाले इस शिविर में सुंदरनगर खंड के भाषा हिंदी अध्यापक और संस्कृत भाषा अध्यापक भाग ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में जैसे जैसे बदलाव आ रहा है, शिक्षकों को भी उनके अनुरूप समय समय पर प्रशिक्षित किया जा रहा है ताकि स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को सहजता से शिक्षक पढ़ाई करवा सके। उन्होंने कहा कि जैसे कंप्यूटर को रिफ्रेश करके उसके ऊपर काम सरलता से किया जा सकता है, वैसे ही जैसे जैसे शिक्षकों पर काम का बोझ पड़ रहा है, उन्हें भी रिफ्रेश करने के लिए इस तरह के प्रशिक्षण शिविरों के माध्यम से रिफ्रेश किया जाता है और स्कूलों में पढ़ाई के कार्य का बोझ कम किया जाता है। उन्होंने बताया कि इस सत्र का यह अंतिम प्रशिक्षण कार्यक्रम है जिसमें सुंदरनगर खंड के 70 के करीबन और ओरिएंटल टीचर भाग ले रहे हैं। शिविर में आगामी 4 दिनों तक स्रोत व्यक्ति मंजुला, रीता और रजिंदर शिक्षकों को अध्यापन की बारीकियां सिखाएंगे। हमारे विद्यालय के अंदर जो LTOT का 4 दिवसीय रिफ्रेशर कोर्स शुरू हुआ है, इसमें 3 RP भाग ले रहे हैं और लगभग 70 LTOT के द्वारा जो है भाग लिया जा रहा है इस ट्रेनिंग में। और यह वास्तव में हमारे विद्यालय के अंदर TGT मेडिकल, TGT नॉन मेडिकल, TGT आर्ट्स के अलावा तीसरी ट्रेनिंग है और इस सत्र की अंतिम ट्रेनिंग है। इस ट्रेनिंग में जो है अध्यापकों को नए नए तरीके से टीचिंग लर्निंग के बारे में और जो टीचिंग के क्षेत्र में चेंजेज हो रहे हैं उनके बारे में जानकारी दी जाएगी, क्योंकि वर्तमान समय इंटरनेट का जमाना है, कंप्यूटर का जमाना है, तो शिक्षा क्षेत्र में भी परिवर्तन हो इस उद्देश्य को लेकर जो है विभाग के द्वारा जो है समय समय पर जो है इस प्रकार के कोर्सेज कराए जाते हैं। जैसे कंप्यूटर के ऊपर अगर ज़्यादा लोड पड़ता है तो उसे हम रिफ्रेश करते हैं, उसी तरीके से टीचरों को भी नई नई टेक्निक लाने से विभाग के द्वारा जो है रिफ्रेश किया जाता है ताकि वह बच्चों को अच्छी तरह पढ़ा सके और बच्चों का विषय जो है सुरक्षित कर सके। धन्यवाद।